नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। खबर है सेंधवा के चाचरिया से, जहां चाह है वहां राह है। आखिर जनता ने अपनी बात प्रशासन से मनवा कर ही मानी। जिस तरीके से लगातार रोड बनने की दिक्कत झेल रहे चाचरिया के ग्रामीणों ने आखिर अपना आक्रोश दिखाकर, अपनी जागरूकता दिखाकर प्रशासन को झुकाकर ही माना। लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे लोगों ने अब तक उनकी मांग नहीं उठी, लेकिन गर्भवती आदिवासी महिला का वीडियो, मार्मिक वीडियो के माध्यम से यह आवाज उठी और ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाई। कोई पॉलिटिशियन, कोई जनप्रतिनिधि इसमें ये बात नहीं मनवा सका जो काम जनता ने किया, और आज जनता को उनका लाभ मिल गया, वो रोड बनना शुरू हो गया। बीते दिनों जनता ने सेंधवा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और ये भी 8 दिन की चेतावनी में ये भी चेताया कि मैं परिवार के साथ अगर हमारा रोड नहीं बना तो हम यहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन ने आज काम शुरू कर दिया। देखिए सेंधवा जनपद की सीईओ रीना चौहान इस बारे में क्या कहती है। रोड की समस्या का निराकरण होने से पूरे गांव में खुशी का माहौल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मांग में कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं था। जनता की आवाज से रोड बनाने की मांग उठी थी और आज रोड की स्वीकृति होने के बाद उस रोड का भूमि पूजन भी वहां की जनता ने किया। रोड बनने का काम शुरू होने के बाद जनता ने प्रशासन का दिल से आभार व्यक्त किया। तो पिछले 8 दिन की प्रोसेस में वहाँ पर हम लोगों ने मौके का निरीक्षण किया और वाकई में जो वो समस्या थी वो अपनी जगह सही थी, और जो वीडियो के माध्यम से जो प्रसारित हुआ था वो भी एक मार्मिक दृश्य था, और सभी अधिकारियों का ये सोच था कि जल्दी से वो रोड पूरा किया जाए। और इसी तारतम्य में हम लोगों ने तत्काल उसका TS किया। उसको 2 पार्ट में, 2 से 3 किलोमीटर का वो रोड है, 2 से 3 पार्ट में हमने उस रोड को उसका TS किया है और उसको स्वीकृति के लिए जिला कार्यालय में प्रेषित किया था, और कलेक्टर महोदय ने उसमें कल स्वीकृति प्रदान कर दी है, और आज से उस रोड का जो है भूमि पूजन स्टार्ट करके आज से उसका काम शुरू हो रहा है। न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।